विशाल भी बताएं थोड़ा हमारे दोस्तों भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बहुत कुछ दिया है जी, जिनके ज़मीन भी लिया है, एक दो प्लाट भी लिए हैं, गाड़ी भी ये सामने खड़ी हुई है, गाड़ी भी लिए, गाड़ी भी इनकी खड़ी है दिलशाद भाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बहुत दिया है जी मेरी सोच। हालांकि मैं फैक्ट्री में काम करता था जी, 18,000 रुपये में काम करता था, वहाँ से मैंने काम शुरू किया, ओवर टाइम लगाया, और अल्लाह पाक ने मेरी सोच से भी ज़्यादा इज्जत दी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े फैंसियर बैठे हैं टॉप के, उनमें एक मेरा शुमार होता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बकर और मेरे साथ सलमान। वेलकम करते हैं मैं आपको अपने चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो पर। उम्मीद है दोस्तों आप और आपके पर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आपको दिलशाद भाई का जो है वो मोरंग का फार्म विज़िट करवाएंगे, और साथ में जो है वो पिजन्स भी लगे हुए हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ दिलशाद भाई मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं दिलशाद भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा दिलशाद भाई, अपने फार्म का बताएं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन कौन से मोर लेकर आए हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है ग्रेंजावा है, उसमें 3 जोड़े लगे हुए हैं। अच्छा। उसमें कैमियो लगा हुआ है, ब्लू ब्लैक शोल्डर लगा हुआ है, पाइड वाइट लगा हुआ है। अच्छा। और सिल्वर लगा हुआ है जी, ये चीज़ें लगी हुई हैं। और क्वालिटी बर्ड्स इंशाल्लाह आपको वीडियो में दिखाएंगे, उनकी प्योरिटी भी देखना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो चीज़ होगी फार्म है, तो इसमें वैक्सीनेटेड, यानी कि हर चीज़ जो बच्चा मिलेगा वो वैक्सीनेटेड होगा जी इंशाल्लाह। ठीक है। और पिजन्स में कौन कौन से पिजन्स यहाँ पर मौजूद हैं? पिजन में अल्हम्दुलिल्लाह जैकोबिन है, फ्रिल बैक वाइट है, स्वेलो में है, और दूसरा डैनिश हो गया, और अमेरिकन वगैरह, ये चीज़ें लगी हुई हैं जी। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, यहाँ पर जो अब ब्रीड, मतलब ब्रीडिंग सीज़न तो अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे वगैरह जो है इस टाइम पर अवेलेबल हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मोरों के बच्चे भी अवेलेबल होंगे जी। अच्छा। और पिजन के बच्चे भी अवेलेबल हैं। ठीक है। मोरों का तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न है, आपको वीडियो में दिखाएंगे, मोरों ने एग भी लेंग किया हुए हैं, बच्चे भी निकले हुए हैं। सही। तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ठीक है। अच्छा साथ में दिलशाद भाई फ़ोन नंबर शेयर कर दें ताकि दोस्तों को रब्ता करने में आसानी हो आपसे। जी मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 0345440634। ठीक है। इसी नंबर पे मेरी व्हाट्सअप है, इसी नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं जी। ठीक है। और जो मेरी लोकेशन है वो कबीर वाला खानवाल बाईपास। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, इस वीडियो में जो है वो हमें बिजनेस के बारे में भी बताएँ कि एक बिज़नेस फिजिबिलिटी बताएँ के जो है वो कितने मोरों से जो है वो कितना अर्न कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे मोर हैं जो बंदा जो है वो स्टार्ट में रखे, जिनके जो हैं वो बच्चे भी इजीली सेल हो जाते हैं, और उनसे जो है वो प्रॉफिट कितना एक अर्न कर सकते हैं एक साल में? भाई देखें, इसमें ना एक इंसान के जो अपना शौक़ होता है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है। पैसा हर बंदे के पास होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ ली है भाई, उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे ना तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देगी। पैसे के साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो भी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जगह सबसे इम्पोर्टेंट, इनके लिए जगह होती है भाई। वो है। ये है कि आप मोर रखें, मोरों में जो भी वैराइटीज़ हैं जो भी हैं वो तकरीबन, पहले तो लोग कहते थे कि यार ये फ्लॉप हो गया, भाई कोई फ्लॉप नहीं हुआ, ये काम अब भी चल रहा है। अभी आप मार्केट देखें, मार्केट में बच्चे आना शुरू हो गए, थोड़ा थोड़ा सेल हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये मोरों की जो ब्रीड है ये बैर जाती है। सही। तो भाई उसमें आप यानी कि 2-3 वैरायटी लगा सकें, ब्लू ब्लैक लगा लें, पाइड वाइट लगा लें, इनसे स्टार्ट कर लें। लेकिन सबसे अहम बात फिर वही कहूँगा कि इसमें थोड़ी तवज्जो चाहिए, तवज्जो देनी है, मतलब मौसम के हिसाब से इनकी केयर करनी है, दाना पानी टाइम पे डालना है। यानी ये काम जो है वो शौकीन बंदा ही कर सकता है, अगर किसी ने मतलब बिजनेस माइंड के लिए आ रहा है तो वो ये काम ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, बिज़नेस के लिए करे भाई, क्योंकि जो भी काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉप बनाई है तो शॉप पे टाइम तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। शॉप बंद रखेंगे तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? ये भी वही है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं चाहिए, यानी कि जब आप फ्री हो सुबह, आपने दाना पानी डालना है तो 5-10 मिनट उनको गौर से देखें, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई बर्ड बीमार तो नहीं हो रहा। सेकेंड टाइम आपने फिर दाना पानी करना है, फिर 5-10 मिनट आप नोट करें, ये है। ज़्यादा इसमें कोई यानी कि मेहनत वाला काम नहीं है, सिर्फ डालना, दाना पानी है और मेडिसिन, ये इस्तेमाल, ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं। आपके घर में
सालन बनता है, कोई सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं वो रुको वो डाल सकते हैं। रोटी के टुकड़े आप डालें, दाना ना डालें, रोटी में जितनी ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है भाई। एक जो है वो मोर का पेड़ कितने तक का होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी तक की होती है? मिसाल के तौर पर जो है ब्लैक शोल्डर हम देखते हैं, ब्लू ब्लैक भाई, ये मार्केट में हर बंदे का एक ना मुख्तलिफ रेट है, इसमें हुकूमत की मोर नहीं लगी हुई, मतलब ये कि जो जितना रेट मांगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनकी क्वालिटी आती है, जो मेन पॉइंट होते हैं ठीक है, मतलब प्योरिटी होनी चाहिए। अब ब्लू ब्लैक शोल्डर है ये, अगर सीज़न जैसे अब सीज़न है तो इसमें अगर कोई बंदा सेल करेगा वो 50,000 का 60,000 का सेल करेगा। अच्छा। जैसे सीज़न आउट होता है यानी कि नवे दसवें महीने में आप लेते हैं तो 35,000 से 40,000 रुपये में। अब इनके जो चिक्स हैं उनको मैं आपको एक यानी कि थोड़ा सा कम से कम मार्जिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक फीमेल कम अज़ कम ज़्यादा नहीं 50 एग देती है एक क्लच एक सीज़न में, एक सीज़न में हाँ साल में 50 एग देती है ये कम से कम, वैसे तो 70 से 80 एग भी मिलते हैं लेकिन 50 एग आप लगाएं, दो फीमेल लगी होती हैं ट्रायो के साथ 100 एग आ गए, 100 में से आप लगा लें 20 एग ख़राब हो गए या बच्चे मर गए, 80 एग में से 80 बच्चा निकलता है ना, तो आप ज़्यादा नहीं सेल कर सकते, आप सेल करते हैं 2,000 रुपये में पर पीस ठीक है, मार्केट हिसाब से भी 100-200 कम में सेल करते हैं, तो आपके पास 80 एग है 1,60,000 रुपये यानी कि सालाना जो इनकम एक से मिलती है, अगर एक पेयर से एक सेट से ट्रायो से वो 1,60,000, 1,60,000 में से आप उसमें 60,000 निकाल दें कि इनका दाना पानी हालांकि पूरे साल का जो पूरे साल का बहुत ज़्यादा बता रही है पूरा हो गया, वो 60,000 का निकाल लें 1,00,000 रुपये फिर भी इनकम बचती है। मतलब ये कि भाई जो भी काम पकड़ें दिल से पकड़ें ठीक है, उसको एंड तक लेके जाएं तो प्रॉफिट है। हाँ ये है कि आपने एक काम शुरू किया है और बीच में आपने छोड़ दिया, आपको खुदा न खासा कोई नुकसान हुआ है, आप हिम्मत हार बैठे, भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ठीक है, जो काम किया है उसको एंड तक लेके जाएं, ये एक हकीकत है कि जहाँ से अल्लाह पाक लेगा ना देता भी वहीं से है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो है वो मेहनत भी साथ साथ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस काम में। आप एक काम में फॉर एग्जाम्पल मोरों वाले काम में है, इसमें अगर आपको नुकसान हो ये छोड़ के किसी और काम में पड़ जाते हैं, दूसरे काम में भी भाई आप नुकसान उठाएंगे फिर जाके आप दूसरा काम यानी कि सेट होगा, तो भाई हर काम में पहले इसीलिए बोलते हैं नफ़ा नुकसान लाइफ का हिस्सा है, नुकसान का पहले सोचें कि नुकसान होगा वो आपने बर्दाश्त करना है लेकिन फिर इंशाल्लाह नफ़ा भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, अगर जो है वो हम अपने लॉस की जो है वो शक्ल को हम कम कर लें, अगर जो हमारा नुकसान होता है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और अगर नेक्स्ट ईयर जो है वो नुकसान अगर कम हो रहा है तो वही आपका जो है वो प्रॉफिट होता है, इसमें कोई ज़्यादा कोई एक साइंस नहीं है बड़ी ठीक है। आपको यही मशवरा देंगे कि जी अगर आपको शौक़ है बर्ड्स का तो लगाएं, इसके साथ साथ जो है वो अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है, और दिशात भाई माशाल्लाह से जो है इसके साथ इनसे अर्निंग करके जो है वो काफ़ी कुछ दिशात भाई ने कमाया, दिशात भी बताएं थोड़ा हमारे दोस्तों। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया है जी, जिनके ज़मीन भी लिया है, एक दो प्लाट भी लिए हैं, गाड़ी भी ये सामने खड़ी हुई है, गाड़ी भी ली है, गाड़ी भी इनकी खड़ी है दिशात भाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बहुत दिया जी। मेरी सोच हालांकि मैं फैक्ट्री में काम करता था जी, 18,000 रुपये में काम करता था, वहाँ से मैंने काम शुरू किया, ओवर टाइम लगाया और अल्लाह पाक ने मेरी सोच से भी ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े फैंसियर बैठे हैं टॉप के उनमें एक मेरा शुमार होता है जी, तो ये सिर्फ अल्लाह पाक की मेहरबानी है लेकिन एक इंसान की मेहनत भी होती है, और आप जैसे भाई हैं उनकी दुआएं माँ बाप की दुआएं हैं जी। अच्छा दिशात भी काफ़ी दोस्त जो हैं वो ये समझते हैं और इस वजह से रुक जाते हैं कि जी यार ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल चलेगा उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा, तो उन भाइयों के लिए कोई मशवरा दें, उनको तो कोई तसल्ली वगैरह दें भाई, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनकी सिर्फ अपनी सोच है भाई। आप इस फील्ड में आकर तो देखें, आपको दिन में भी टाइम नहीं मिलेगा यानी कि माल डिलीवर करने के लिए जिसकी एक नाम बनेगा ठीक है, नाम बनाने के लिए आपको 6-7 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जब आपका एक वकार बन जाएगा, लोगों में एक नाम बन जाएगा, हाँ किसी के साथ धोखा नहीं करना, जो चीज़ देनी है A+ क्वालिटी में जो चीज़ होगी उसको वही बोलना है, वीडियो में दिखाना कुछ और देना कुछ और ये गलत बात है, ये आपका काम चलेगा 2-4 माह उसके बाद शौक खराब देता है, वो पैसा हराम का, लेकिन ये एक नियत साफ करके भाई चलें तो आने वाले टाइम में ये एक हकीकत है कि इंशाल्लाह देखना कि पाकिस्तान में आपको जो भी काम बर्ड्स के हवाले से देखेंगे वो सारे के सारे बैर जाएगा। अभी थोड़ा सिर्फ पाकिस्तान के हालात ख़राब है इस वजह से आपको लग रहा है, लेकिन नहीं भाई ये काम बहुत अच्छा है, आप करके देखें, एक बार स्टेप उठा कर देखें, इंशाल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। इसमें कोई ज़्यादा भी दिशात भी टाइम देने वाली बात नहीं, लोग पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, मैंने पार्ट टाइम घरों में रख सकते हैं, पार्ट टाइम शुरू किया था फैक्ट्री में जा रहा था तो अभी फुल टाइम किया हुआ है क्योंकि मेरा और कोई काम है नहीं, फार्म है तो उधर ही यानी कि दोस्त आते रहते हैं उनके साथ गपशप भी की, तो जानवर सेल किया बस यही काम है जी। ठीक हो गया।
अच्छा जी शाद भाई, साथ में जो है वो थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में गाइड करें दोस्तों को कि इनमें जो है वो बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं। भाई जो मैं वैक्सीनेशन करता हूँ, जो यानी कि ताज़ा बच्चा होगा 10 दिन का, ठीक है, उसको मैं फुल पॉक्स यानी कि वो वैक्सीन है उसका मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। वो इसके लिए कि वो ठंडी जो एक परिंदों को दाने से निकल आते हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं, वो इसके लिए। बाकी जो बच्चे हमारे निकलेंगे उसमें मैं हर 3 माह में अंदर यानी कि 3 वैक्सीनें करता हूँ, एंडीकलोन, NDIV, एंडीलसोटा, ये हर दफ़ा मैं चेंज करके, और साल में 2 बार मैं गैलीमून वैक्सीन कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बर्ड्स होंगे वैक्सीनेटेड मिलेंगे, वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। बाकी जो भी भाई रखे, शौक करे, कोशिश करे कि चीज़ अच्छी हेल्दी एक्टिव ले, और उसको अपने माहौल में अगर एडजस्ट करना चाह रहा है तो भाई उसको देसी खुराक यानी कि दाना, गंदम वगैरह ये डाले, और रोटी के टुकड़े वो डालें, और हफ्ते में कोशिश किया करें कि अगर किसी के पास पिजन है या मोर है, जो भी चीज़ है, फैंसी मुर्गी है, जो भी चीज़ है, 15 दिन में एक बार 5 cc उसको दूध पिला दिया करें। दूध आपको बकरी का मिल जाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो गाय का मिले, भैंस का मिले, उबलो वो मिले या ताज़ा मिले, जो भी मिले 5 cc पिला कर देखें 15 दिन में एक बार लाजमी। एक तो वो जो बीमार होते हैं मतलब उनका वेट जो कम हो जाता है वो कम नहीं होगा, उनका हाजमा दुरुस्त रहेगा, ठीक है, और हेल्दी एक्टिव रहेंगे। दूध में बहुत ताकत है जी, वो दिया करें इंशाल्लाह। अच्छा दिशात भी साथ में जो है माशाल्लाह से आपने पिजन्स भी लगाए हुए हैं, और पिजन के भी बहुत जो हैं वो ज़्यादा शौकीन, हमसे भी काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं पिजन के हवाले से। तो दिशात भी, पिजन का जो है वो काम कैसा है और कितना एक जो है इसके अंदर प्रॉफिट है, इसके बारे में बताइए। भाई पिजन में जो प्रॉफिट है वो बेसिकली मोर से कहीं ज़्यादा है। अच्छा। मोर से कहीं ज़्यादा है, उसकी वजह कि इनका इतना ना तो खर्चा है, दाना भी थोड़ा खाते हैं, जगह भी इतनी नहीं लेते, ठीक, और ये सदाबहार हैं, मतलब पूरा साल चलते हैं भाई। सही। तो उसमें ये है कि आप इसकी मार्केट देखें, मार्केट में अगर अच्छी चीज़ लगाएंगे ना, आप ऑनलाइन फेसबुक OLX पे दस्ती सेल कर सकते हैं, अगर नहीं भी सेल होती आप मार्केट में किसी शॉप पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सबसे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ से भी कोई चीज़ लें, कोशिश करें एक फार्म चूज़ कर लें, उधर से ही मंगवाएं, जिनके फास्ट लेके एंड तक, उसकी वजह यार आपका उसके साथ ताल्लुक बनेगा, उसके पास अगर मेल फीमेल आपके साथ कोई इशू बनता है तो वो आपको वो हल करेगा, साथ में आगे कंप्रोमाइज करके चलें। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लें, नहीं, जहाँ से मर्जी लें, लेकिन एक से ही लें। उससे ये है कि कोशिश करें फार्मर से, शॉप में तकरीबन आपको पता है कि कितने बंदे शॉप में आते हैं जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्ड्स की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि बजात खुद मैं यानी कि मार्केट में देता हूँ, जो बर्ड्स कचरा होंगे ना वो मार्केट में जाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा जो अच्छी चीज़ होगी, आजकल जो यूथ है वो ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन चीज़ वो सेल हो जाती है, जो कचरा होगा वो मंडी में किसी शॉप पर जाएगा। तो कोशिश करें कि एक ही फार्म से चीज़ लें, वैक्सीनेटेड लें और अच्छी चीज़ लें, मेल फीमेल कन्फर्म करें, लेकिन पट्ठे लें वो सबसे बेस्ट है। बाकी इसमें यानी कि जो अर्निंग है वो मोर से ज़्यादा है, उसकी वजह ये सदाबहार है, पूरा साल चलते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने 15,000 में ली है तो उसके बच्चे आपके पास आते हैं, आप 15,000 में सेल नहीं करते, 10,000 में सेल करते हैं, तो एक फैंसी जोड़ा आपको मंथ में 3 बार एग देगा, मतलब वो उसने एग देने, आपने साथ में आम कबूतर रखने, उनके नीचे उनके होस्टिंग करने हैं, ठीक है, तो 3 बार वो बच्चे देंगे, तो इस तरह से आपका मोर से भी ज़्यादा इसका सर्कट चल सकता है। हाँ ये है कि जो मेहनत मजदूरी है वो भाई एक बार स्टेप उठा के देख ले, मोर की तरफ नहीं आता, उसके पास जगह नहीं है, तो कबूतर में, पिजन में आकर देखे, अच्छी क्वालिटी लगा के देखे, 3-4 माह बाद इंशाल्लाह आपको उसको रिजल्ट मिलेगा जी। दिशात भी ऐसी है, हमारे साथ भी जो है वो कुछ ऐसे मजदूर भाई जो हैं हमारे साथ रबते में हैं, और हमारी जो है उनसे बात वगैरह होती रहती है, वो माशाल्लाह जिन्होंने बर्ड्स वगैरह लगाए हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, और काफ़ी दुआएँ देते हैं हमें भी और फार्मर्स को भी जिन जिनसे वो बर्ड्स लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो बात है हमारे भाई लिए। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस तरह के दोस्त हैं, काफ़ी जो मेरे साथ फैक्ट्री में काम कर रहे, 6-7 दोस्त हैं, उनको मैं इसी फील्ड में लेके आऊँ, अभी वो उन्होंने फैक्ट्री छोड़ी हुई है, उनका घर का सर्कट चल रहा है, सुकून से रह रहे हैं। तो इसका ये है कि भाई एक बार स्टेप उठाएं, हिम्मत नहीं आ रही, फिर ये कहूँगा जो भी काम करना है उसको एंड तक लेके जाएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रोज़ी देगा जी। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज दिशात भाई के आपको तमाम मोर और पिजन्स वगैरह दिखाते हैं, और इनकी जो प्रोग्रेस आई हुई है, बच्चे वगैरह भी मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उनके प्राइजेज़ वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज ही स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये भी माशाल्लाह से पाइड का है, क्वालिटी आप देखें, ये मेल है, इसके साथ जो फीमेल है वो पाइड एंड वाइट, ये माशाल्लाह से वाइट है, वाइट मोर, इसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं जी,
फुल मस्ती में खड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं एक और सेट है ट्रायो वाइट का, ब्रीडर सेट है। इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो है 10,000 रुपये, 2 माह एज होगी जी। क्वालिटी आप देख सकते हैं, वाइट एंड पाइड, वाइट का मेल है, पाइड की फीमेल है। क्वालिटी आप देख सकते हैं वाइट की। ये माशाल्लाह से कैमियो का सेट है जी, क्वालिटी आप देख सकते हैं। इनके जो चिक्स होंगे वो भी अवेलेबल होंगे, एज 2 माह, और प्राइस जो होगी वो 12,000 जोड़े की होगी जी। ये दूसरा सेट है जी कैमियो का माशाल्लाह से, और इनके चिक्स पहले प्राइस बताइए, 12,000 जोड़े की, 2 माह एज होगी जी। क्वालिटी आप देख सकते हैं, टेल वगैरह भी। ये माशाल्लाह से ग्रीन जावा जी इंपोर्टेड में, और ये इंग्लैंड ब्रांडेड है, आप देख भी सकते हैं रिंग लगे हुए हैं इंपोर्टेड की। इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो 66,000, क्वालिटी आप देख सकते हैं जी। इसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, इसका जो ताज होता है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो पाँव है वो बिल्कुल ब्लैक होने चाहिए, और जो इसका स्टांस है वो सीधा होना चाहिए, जैसे एक यानी कि नाक का होता है बिल्कुल ऊपर, गर्दन देखें। ये तीसरा जोड़ा है ग्रीन जावा का जी, इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं इंपोर्टेड में, इसकी टेल वगैरह देखें आप। माशाल्लाह से ये सिल्वर पाइड जी, क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये सिल्वर का है, और जो सिल्वर की प्राइस है वो 14,000 रुपये जोड़ा, 2 माह एज होगी जी। ये माशाल्लाह से सिल्वर का जोड़ा है जी, और इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो 14,000 रुपये, एज 2 माह होगी। क्वालिटी आप देख सकते हैं लेंथ। ये माशाल्लाह से ब्लू में मेल है, फीमेल भी देख लें, क्वालिटी बर्ड्स हैं जी। इनकी जो प्राइस है वो 8,000 जोड़ा होगी जी, प्योरिटी की गारंटी होगी जी, मिक्सिंग नहीं होगी, वैक्सीनेटेड होगी। ये पाइड है माशाल्लाह से, क्वालिटी आप देख सकते हैं, ट्रायो है, इनकी जो चेक्स की प्राइस है वो है 10,000 रुपये, 2 माह एज होगी। ये माशाल्लाह से वाइट जैकोबिन है, क्वालिटी आप देख सकते हैं जी, टॉप क्वालिटी है, ट्रिपल वुड में पेपर वाइट, और इनके चिक्स की प्राइस जो है वो 15,000 रुपये। ये भी माशाल्लाह से वाइट जैकोबिन का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, और इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो है 15,000 रुपये, क्वालिटी आप देख सकते हैं जी, टॉप क्वालिटी। साथ में दूसरा पेयर खड़ा हुआ है, इसने बेबी भी निकाले हुए हैं। माशाल्लाह से देखें क्वालिटी, टॉप क्वालिटी में जैकोबिन में अल्हम्दुलिल्लाह 16 पेयर हैं जी, वाइट में टॉप क्वालिटी में, ब्लैक जैकोबिन, रेड, येलो, ये सारे कलर हैं। ये ब्लैक जैकोबिन का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, क्वालिटी आप देख सकते हैं जी। एक दियो में इसने, इनकी जो चेक्स की प्राइस है वो 15,000। ये माशाल्लाह सिल्वर जैकोबिन है जी, ब्रीडर पेयर, इनके चेक्स भी अवेलेबल होंगे 15,000 रुपये में। ये भी वाइट जैकोबिन का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, क्वालिटी आप देख सकते हैं जी। ये भी वाइट जैकोबिन है माशाल्लाह से, क्वालिटी बर्ड्स हैं, क्वालिटी आप देखें। ये माशाल्लाह से वाइट डेनिश है जी, DR लाइन इंपोर्टेड, इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो 18,000 रुपये। ये दूसरा पेयर है वाइट डेनिश में, क्वालिटी आप देख सकते हैं, टॉप क्वालिटी बर्ड्स। ये तीसरा पेयर है वाइट डेनिश में, क्वालिटी आपके सामने है। ये चौथा पेयर है वाइट डेनिश में, टॉप क्वालिटी बर्ड्स हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्लैक सेल्फ का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, DR लाइन में इंपोर्टेड का, 18,000 रुपये प्राइस है। ये रेड सेडल फिल जर्मन लाइन है इंपोर्टेड, चिक्स की प्राइस 28,000। ये वाइट फिल बैक है जी, इंपोर्टेड का पेयर है, इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो 15,000 रुपये, क्वालिटी आप देख सकते हैं।
ये दूसरा वाइट फुल बैक का पेयर है, ग्रेटर पेयर है, चेक्स की जो प्राइस है वो 15,000। और सैडल फ्रिल क्वेद बैंडेड है, एम्पोर्टेड का पेयर है, फ्रिल देखें साइज़ वगैरह हर चीज़ अलहमदल ओके है, चेक्स की प्राइस 55,000। ये माशाल्लाह से ब्लैक सैडल फ्रिल का पेयर है, ब्रेडर पेयर है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं जी, टॉप क्वालिटी बर्ड्स है जी, इम्पोर्टेड का। इसकी जो चिक्स की प्राइस है वो है 35,000 रुपये। जी माशाल्लाह से ब्लू सैडल फ्रिल का पेयर है, इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो है 25,000 रुपये। क्वालिटी आप देख सकते हैं जी, क्वालिटी बर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्लैक चेरी का पेयर है जी, ब्रेडर पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी जो चिक्स की प्राइस है वो है 25,000 रुपये। ये ब्लू चेरी का पेयर है जी, ब्रीडर पेयर है और टॉप क्वालिटी में, इनकी जो चिक्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे 25,000 रुपये में। ये येलो स्वेलो का पेयर है, येलो स्वेलो वाइट बार का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, और इनके चिक्स भी निकले हुए हैं, इनके चिक्स की प्राइस है 15,000 रुपये। ये सिल्वर चेरी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके चिक्स की प्राइस है 35,000 रुपये। क्वालिटी आप देख सकते हैं, इंपोर्टेड का पेयर है, यूई ब्रांडेड है। ये स्टॉक स्वेलो का पेयर है जी, और एक बेबी भी निकला हुआ है, इनके जो चिक्स की प्राइस है वो है 12,000 रुपये। क्वालिटी आप देख सकते हैं जी। ये माशाल्लाह स्टॉक स्वेलो है ब्लू में, ब्रीडर पेयर है, इनके जो चिक्स की प्राइस है वो है 12,000। इनके चिक्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं,